दोस्तों, हमारा हेल्थ और जो ह्यूमन बॉडी है इसके सही रहने या इसको गलत हो जाने में, रोगग्रस्त हो जाने में या रोग रहित रहने में सारा गेम है पीएच वैल्यू का। हमारे ऑर्गन्स, हर ऑर्गन का अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। जैसे आंखों का पीएच जो हम देखें तो आंखों का पीएच वैल्यू हमारे 7.5 है। हमारे बोन्स का क्या पीएच वैल्यू 6.9 या 7 होता है। ब्लड का 7.4 होता है। किडनी का 7.4 होता है। लीवर का 7.3 होता है। पेंक्रिया, जिसे अक्सर हमारे शुगर की बीमारी हो जाती है, उसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, 8.3 होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो हर हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जो 79 ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उस सबके अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। अब होता क्या है कि हमारे खान पान, गलत खाना, गलत पीना और गलत सांस, जो हवा सांस लेते हैं, ये गलत होने की वजह से इसके पीएच वैल्यू डाउन होने लगते हैं। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू डाउन होने लगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में बीमारियाँ आने लगती है। किसी के शरीर में अगर पीएच वैल्यू 7.5 के आसपास बैलेंस बना हुआ है किसी का शरीर में, तो उसके शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब इसको बैलेंस को कैसे बनाएं, तो इसके लिए तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके फूड में ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ों का, रॉ चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो सांस ले रहे हैं उसमें, उस ऐसे हवा में सांस ले जहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो। और तीसरा जो ध्यान देना होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है, आपको पानी केवल और केवल अल्कलाइन पीना होगा, जिसका पीएच वैल्यू मिनिमम 7.4 हो, नहीं तो 8.5 9.5, ये जो हायर पीएच वैल्यू के जो पानी है उसको आप पीना पड़ेगा, जिसको हम अल्कलाइन वाटर कहते हैं। अगर इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके शरीर में बीमारी होगी ही नहीं। इलाज की बात तो बहुत दूर की बात है।